Assalamualaikum everyone, how are you all? So I'm back again with a new video. This video is about pronoun, which is the second part of speech. If you guys have watched my first video on parts of speech, then you should know that in the previous video I have discussed in detail about noun. Okay, what is noun? What are the types of noun? How many types are there? So you can check my video. Okay, so now I'm going to explain the second part of speech, and that is pronoun. So what is pronoun? All of you may have heard the name of pronoun, okay, somewhere in your when you are studying English, you might have heard the name of pronoun. But what actually is pronoun? Pronoun hota kya hai, kisko kehte hain hum pronoun? Jaise ki aapko word se bhi samajh mein aa gaya hoga, you can see the word on the screen. Jaise aapko word se bhi pata chal gaya hoga, this is pronoun. Yani ki noun kya hota hai? Noun is the name of a पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी कि किसी भी इंसान, जगह, चीज़ या किसी भी बंदे के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. सो प्रोनाउन, आपको नेम से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोनाउन. यानी कि प्रो मींस फॉर, यानी कि फॉर नाउन. यानी कि हम जो ऐसा वर्ड जो हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम हो, उसकी जगह पे हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोनाउन. जैसे आपको डेफिनेशन भी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसकी जगह पे यूज़ करते हैं? नाउन की जगह पे. ठीक है, सो प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन. यानी कि कहीं पे भी, किसी भी सेंटेंस में, कहीं पे भी आप पढ़ेंगे, कहीं पे भी अगर कोई ऐसा नाम आएगा जो किसी भी जगह का होगा, किसी भी चीज़ का होगा, या किसी भी इंसान का होगा, या किसी भी एनिमल का भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाम आएगा, तो उसने आपने उस नाम की जगह जो वर्ड आप लोग यूज़ करेंगे, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन्स. ठीक है, ये बात तो समझना बहुत ईजी है. ठीक है, कहीं पे भी आप कोई नाम देखें, किसी भी सेंटेंस में, इफ़ यू सी एनी नेम रिटन, वेदर इट्स द नेम ऑफ एन एनिमल, वेदर इट्स अ नेम ऑफ समथिंग, वेदर इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, और वेदर इट्स सम पर्सन नेम, तो आपने उसकी जगह जो वर्ड आप लोग यूज़ करेंगे, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है, ये तो बात समझना बहुत ईजी हो गई. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हसन स्पीक्स द ट्रुथ. अब हसन है, ठीक है, अब हसन इज़, व्हाट इज़ हसन इन दिस? हसन इज़ अ नाउन. ठीक है, अगर आप लोग देखें तो हसन यहाँ पे एक लड़के का नाम है, सो दिस इज़ अ नाउन. दिस इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, सो दिस इज़ अ नाउन. सो हसन स्पीक्स द ट्रुथ. तो अब हमने प्रोनाउन क्या देखा था? प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. ठीक है, वी यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन. सो हेयर अगेन, इस बजाय इसके कि हम बार बार हसन कहें, जैसे हसन स्पीक्स द ट्रुथ, हसन गोज़ टू द पार्क, हसन प्लेज विद हिज फ्रेंड्स. सो अगर बार बार इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग हसन 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 अगेन एंड अगेन, व्हाट वी विल यूज़? वी विल यूज़ प्रोनाउन वर्ड. यानी कि हम हसन की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? ही. जैसे हसन स्पीक्स द ट्रुथ, He goes to the park, he plays with his friends. Okay? So हमने यहाँ पे ही क्यों यूज़ किया है? हमने बार बार हसन ही क्यों नहीं यूज़ किया? ठीक है, जैसे हसन स्पीक्स द ट्रुथ, हसन गोज़ टू द पार्क, हसन प्लेज विद हिज फ्रेंड्स, हमने बार बार हसन का वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. जब हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं किसी भी बंदे के साथ, तो हम, क्योंकि वो एक स्मूथली कन्वर्सेशन चलती रहे और एंड इट लुक्स नाइस कि हम बार बार एक बंदे का नाम ना लें और उसकी जगह हम उसको प्रोनाउन यूज़ करें. जैसे हसन का प्रोनाउन वी विल यूज़ ही. अगर किसी गर्ल का नेम होता तो देन वी विल यूज़ शी. अगर यहाँ पे बहुत सारे प्लूरल नाउन्स होते तो देन वी विल यूज़ वी और दे. ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हसन है, इट्स द नेम ऑफ अ बॉय, तो हम यहाँ पे ही का वर्ड यूज़ करेंगे. सो ही इज़ अ प्रोनाउन. ही गोज़ टू द पार्क, ही प्लेज विद हिज फ्रेंड्स. अब इसी तरह आप देखें, अगर अब आप मुझे ये बताएं, नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हमें प्रोनाउन यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर नाउन ऑलरेडी एक सेंटेंस में मौजूद है, इफ़ ऑलरेडी देयर इज़ अ नाउन इन अ सेंटेंस, देन व्हाई डू वी नीड अ प्रोनाउन? यानी कि अगर ऑलरेडी एक सेंटेंस में नाउन मौजूद है, तो हमें वहाँ पे प्रोनाउन लगाने की क्या ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि अगर आप यही एग्जांपल मेरी देखें,
ठीक है, तो हम बार बार एक ही वर्ड अगर रिपीट होगा, नाउन रिपीट होगा, सो दैट डजंट लुक गुड. ठीक है, वो एक तो कन्वर्सेशन में भी अच्छा नहीं लगता, और हम जब हम किसी से बात कर रहे थे, हम बार बार उसी बंदे का नाम लेके कहते रहें, सो दैट ऑल्सो डजंट लुक गुड. तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा हम नाउन यूज़ कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसकी इंस्टेड ऑफ दैट नाउन वी यूज़ प्रोनाउन. ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट में जो भी प्रोनाउन वर्ड यूज़ होता है हम वो यूज़ करते हैं. अभी आई विल टेल यू इन माई लेटर वीडियो कि व्हाट आर द प्रोनाउन वर्ड्स, प्रोनाउन वर्ड्स कौन कौन से हैं और हम कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. जैसे नाउ लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. हु इज़ स्टैंडिंग देयर, अब नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, हु इज़ स्टैंडिंग देयर. अब इसमें हु देखें, व्हाट इज़ हु, हु इज़ अ प्रोनाउन. अब ये प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने हु का बताया हुआ है कि हु, अगर यहाँ पे हु नहीं होता तो यहाँ पे किसी बंदे का नाम होता या किसी लड़की का भी नाम हो सकता था. जैसे फॉर एग्जांपल, हसन इज़ स्टैंडिंग देयर, फातिमा इज़ स्टैंडिंग देयर, अली इज़ स्टैंडिंग देयर. ठीक है, तो यहाँ पे नाउन होता, तो हमने नाउन की जगह पे हमने यहाँ पे हु का वर्ड यूज़ किया है. सो हमने नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ दैट विल बी प्रोनाउन. तो हमने यहाँ पे नाउन की जगह हमने हु का वर्ड यूज़ किया है, तो दिस इज़ प्रोनाउन. इसी तरह सेकेंड वन, समवन इज़ कॉलिंग यू. नाउ अब यहाँ पे समवन इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे भी हमने नाउन की जगह समवन का वर्ड यूज़ किया हुआ है. ठीक है, इसी तरह थर्ड, दिस इज़ माई कार. अब यहाँ पे भी दिस जो है, दिस इज़ अ प्रोनाउन. ठीक है, यहाँ पे भी दिस जो है वो प्रोनाउन है. क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम किसी कार का नाम यूज़ कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मर्सिडीज इज़ माय कार. ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाउन यूज़ करने के बजाय हमने उसका प्रोनाउन लगा दिया है कि दिस इज़ माय कार, तो दिस इज़ अ प्रोनाउन हेयर. नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ऑल आर स्टडिंग. इसमें वी ऑल क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि हम सबकी बात हो रही है. अब हम सबकी जगह हम कोई नाउन भी लगा सकते थे. ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का नाम भी लिख सकते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल हसन, फातिमा एंड जिमल आर स्टडिंग, लेकिन हमने नाउन या नेम्स की जगह हमने प्रोनाउन लगा दिया है, सो दिस इज़ ऑल्सो प्रोनाउन. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ प्रोनाउन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स आर देयर, सो we will talk about some types of pronoun, like you can see also personal pronoun, reflexive pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun and indefinite pronoun. So the first type of pronoun is personal pronoun. अब आप लोगों को नाम पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि what does it mean, personal pronoun का meaning क्या है. जैसे आपको name से ही पता चल जाए, personal मतलब person, ये person से निकला है, और person किसको कहते हैं, किसी भी बंदे को या इंसान को. ठीक है, so ऐसा pronoun जो हम अपने बारे में अपने लिए use करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. इट इज़ अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन होता है, ऐसा वर्ड होता है जो हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के को रेफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी कि ऐसा वर्ड होता है जो हम किसी भी बंदे या किसी भी जगह या किसी भी चीज़ को रेफ़र करने के लिए ऐसा वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शुरू से सुना होगा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स आपने सुना होगा कि ये प्रोनाउन्स होते हैं. ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. यू ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड दीज वर्ड्स टिल फ्रॉम द चाइल्डहुड के जी, यही वर्ड्स आपको याद भी कराए जाते हैं, यही वर्ड्स हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह यही पढ़ाए जाते हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. यही क्या होते हैं, दीज आर दी प्रोनाउन्स. अब इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, वाई दे हैव गिवन सो मच इंपॉर्टेंस, इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है. ठीक है, इनको इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनको किसी भी हम बंदे के लिए, किसी भी पर्सनल, किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें आप अगर देखें, आई, वी, आई, वी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन, यानी कि जब अपनी बात हो रही होती है, अपने बारे में कोई बात हो रही होती है, तो हम उसके लिए आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम. ठीक है, सो आई, वी इज़ द फर्स्ट पर्सन. इसी तरह यू हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द सेकेंड पर्सन, यानी कि जब हम किसी अगले बंदे की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, जब हम अगले बंदे की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम यू यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेकेंड पर्सन. और ही, शी, इट, दे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द थर्ड पर्सन, यानी कि अगर कोई किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कही जा रही होगी तो उसके लिए हम ही, शी, इट या दे का वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, सो ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि दीज आर द प्रोनाउन्स, दीज आर पर्सनल प्रोनाउन्स, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और इनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन में कैसे डिवाइड किया गया है वो भी आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा. अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है जो समझने वाली है, एंड दैट इज़ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
एंड पोजेसिव. अब ये मैं आपको डिटेल में एक सेपरेट वीडियो इसकी बनाऊंगी जिसमें इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, बट लेट्स लुक एट अ लिटिल बिट अबाउट इट. अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट होता है. व्हाट इज सब्जेक्ट? यानी कि जो नाउन होता है किसी भी सेंटेंस में, जो भी नाउन होता है दैट इज द सब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, यानी कि जो भी नाउन होता है दैट इज द सब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, अस, यू, ही, शी, इट, देम. यानी कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है. ठीक है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है. एंड देन पोजेसिव. व्हाट इज पोजेसिव? माय, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हर, हर्स, देयर, देयर्स. यानी कि जब हम अपनी किसी पोजेसिव चीज़ के बारे में बात कर रहे होते, जैसे माइन, दिस बॉल इज माइन, ये मेरी बॉल है, तो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन. यानी कि आपने अपनी पोजेसिवनेस शो की है कि ये बॉल मेरी है. दिस कार इज माइन. ओके, सो इसमें आप इन वर्ड्स में आप क्या शो कर रहे हैं? योर पोजेसिवनेस. सो दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ सना यस्टरडे. अब आई इसमें क्या है? आई इज़ द पर्सनल प्रोनाउन. दिस इज सब्जेक्ट ऑल्सो एंड दिस इज पर्सनल प्रोनाउन ऑल्सो. ठीक है, दिस इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है. सो वट इज दिस इन इट? दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन. सो आई होप कि आपको पर्सनल प्रोनाउन तो बहुत ईजी तरीके से और ईजी वे में समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप. द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो अब आपको इसके नेम से ही पता चल जाना चाहिए, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करना, कोई ऐसी चीज़ जो रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि खुद की होती है. यानी कि हमें रिफ्लेक्शन में क्या, जैसे हम अगर मिरर में देखें अपनी रिफ्लेक्शन तो हमें क्या नज़र आता है? हमें अपना आप नज़र आता है. ठीक है, सो इसी तरह रिफ्लेक्सिव यानी कि कोई चीज़ जो रेफर बैक करती हो किसी पर्सन या थिंग से. ठीक है, दे रेफर बैक टू सम पर्सन और थिंग. आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर अच्छा इतनी ईजी है कि आप लोगों को नेम से ही मोस्टली टर्म्स का पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा. ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव की मैंने आप लोगों को बहुत ईजी एग्जाम्पल दी है कि इफ़ यू सी योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर तो आपको क्या चीज़ नज़र आती है? अपनी ही रिफ्लेक्शन नज़र आती है, अपना आप नज़र आता है, आप अपना सेल्फ देखते हैं. सो दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे रेफर बैक टू सम पर्सन और थिंग. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स. ठीक है, सो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स होते हैं जो अपने आप को या खुद के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे माई सेल्फ, मेरा अपना. हर सेल्फ अगर कोई लड़की होगी तो उसका अपना. हिम सेल्फ अगर कोई लड़का होगा तो उसका अपना. योर सेल्फ अगर यानी कि तुम्हारा अपना अपना. देम सेल्फ मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनका अपना. आर सेल्फ यानी कि हमारे, अगर बहुत सारे लोग हैं तो हमारा अपना. इट सेल्फ अगर कोई चीज़ है जिसका कोई जेंडर नहीं है तो उसके लिए उसका अपना. इसी तरह योर सेल्फ हम किसके लिए यूज़ करते हैं? यानी कि योर सेल्फ का ये प्लूरल है. जब सामने वाले बहुत सारे लोग होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो हम उनके लिए योर सेल्फ का वर्ड यूज़ करते हैं. इसी तरह देम सेल्फ और आर सेल्फ, इनको भी मैं बहुत डिटेल में इनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बहुत ईजी हो गया, यानी कि ऐसे प्रोनाउन्स होते हैं ये जो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं. ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं जो हम अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ. ठीक है, सो ये तो बहुत ईजी है. आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड, आप लोग सब कर चुके होंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. द थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन. अब व्हाट डज रिलेटिव मीन? अगर आप लोग देखें तो रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, हमारे जो मिलने वाले होते हैं, जो हमारे अजीज होते हैं, हमारे फैमिली रिलेटिव्स होते हैं. ठीक है, जिनका हम रिश्तेदार भी कहते हैं, मिलने मिलाने वाले भी कहते हैं. सो दोज आर रिलेटिव्स. ठीक है, यानी कि जो मिलने वाले होते हैं. सो इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेट करते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में या दो क्लॉजेस को आपस में. सो रिलेटिव प्रोनाउन्स आर यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज. यानी कि किसी भी क्लॉज या किसी भी फ्रेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे हु, होम, हु एवर, होम एवर, विच एवर, दैट. सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन्स, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हमारी डेली कन्वर्सेशन में वो यही हैं. ठीक है, सो ये कौन से प्रोनाउन्स होते हैं? ऐसे प्रोनाउन्स होते हैं जो हम यानी कि एज अ कनेक्टर यूज़ करते हैं. यानी कि कोई भी दो क्लॉजेस को या कोई भी दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन्स को यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड. यानी कि जिस बंदे ने रेस के लिए बहुत मेहनत की वो जीत गया. ठीक है, सो इसमें हु का वर्ड क्या है? हु इज़
डिफाइनिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि हु इसमें एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि हु क्या है यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है उस बंदे को और रेस को, ठीक है. सो दिस हु इज हेयर इज कनेक्टिंग द टू सेंटेंसेज, सो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे स्टेन्ड, यानी कि जो शर्ट मैंने कल ली थी स्टेन्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेन्ड, स्टेन्ड का मतलब होता है दाग लग जाना या कोई धब्बा लग जाना. सो जो शर्ट मैंने कल ली थी उसके ऊपर दाग लग गया या कोई धब्बा लग गया. सो अब इसमें अगर आप देखें कौन सा वर्ड है ऐसा जो कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को, दैट. सो दिस दैट वर्ड इज रिलेटिव प्रोनाउन हेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दैट जो है वो दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है. सो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या, कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई से भी दो क्लॉजेज या फ्रेजेज या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. आप लोगों ने अक्सर सेंटेंसेज में भी सुना होगा कि दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस. सो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरोगेट करना, किसी से क्वेश्चन करना, ठीक है, यानी किसी से पूछताछ करना. सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं. एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज टू मेक आस्किंग क्वेश्चन ईजी, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए हम ये प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे हु, होम, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever. So, ये सारे जो pronouns हैं ये questions पूछने के लिए use किए जाते हैं. So, हम ये भी pronouns आपको याद रहे कि हम ये pronouns भी noun की जगह use करते हैं, ठीक है. जैसे for example, whose idea is it anyway, ठीक है. अब इसमें whose क्या है, whose is a interrogative pronoun, क्योंकि यहाँ पे whose as a question पूछने के लिए use किया जा रहा है. We are asking a question कि किसका idea था, ठीक है. So, यहाँ पे whose is is used as a question, ठीक है. So this is interrogative pronoun. Now a second example, which team are you a member of? अब यहाँ पे जो which का है word है, this which is representing interrogative pronoun, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे which भी जो है वो as a question आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस team के member हैं, ठीक है. यहाँ पे अगर होता तो यहाँ पे किसी टीम का नाम मेंशन होता तो वो noun होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे किसी भी टीम का नाम मेंशन नहीं है तो this is a interrogative pronoun, ठीक है. सो interrogative pronoun are very very easy, बहुत easy से हैं कि हम ऐसे pronouns होते हैं जो हम कोई भी question पूछने के लिए use करते हैं. Now the fifth type of pronoun is demonstrative pronoun. अब demonstrative pronoun का meaning क्या होता है, यानी कि demonstrate करना, यानी कि ऐसा pronoun होते हैं ये जो किसी भी चीज़ की तरफ point out करते हैं. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. यानी कि किसी भी sentence में किसी specific चीज़ के बारे में point out करते हैं ये, ठीक है, जैसे this, that, these, those, such, ठीक है. ये तो आप लोगों ने words हमेशा से सुने होंगे और हमेशा से आप लोग ये sentences में भी use करते हैं, जैसे for example, these are ugly, this is my ball, this is my cat, those are beautiful flowers, ठीक है. So this का मतलब क्या होता है, this मतलब अगर कोई चीज़ हमारे करीब है कि this is my ball, ये मेरी ball है, यानी कि अगर कोई चीज़ आपके पास है, करीब है, तो उसके लिए आप this का word use करते हैं. That हम किसके लिए use करते हैं, अगर कोई चीज़ दूर है कि that is my car, वो मेरी car है, तो अगर कोई चीज़ दूर है तो उसको point out करने के लिए हम that का word use करते हैं. इसी तरह जो these है, these is the plural of this, यानी कि अगर बहुत सारी चीज़ें आपके करीब हैं तो आप कहेंगे these are my flowers, ये मेरे flowers हैं. इसी तरह those is the plural of that, अगर कोई बहुत सारी चीज़ें दूर हैं और वो आपकी हैं तो आप कैसे कहेंगे those are my flowers, वो मेरे flowers हैं, ठीक है. सो और सच का वर्ड भी इसी तरह हम यूज़ करते हैं ऐसे के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल सच वाज हिज थिंकिंग, कि इसकी थिंकिंग ऐसी ही है, ठीक है. सो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बहुत इजी से हैं कि ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो हम किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. Now the last and but not the least type of pronoun is indefinite pronoun. अब indefinite pronoun क्या होता है, यानी कि आप इसको भी आप नाम से पकड़ लो, ठीक है. अब indefinite मतलब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसा pronoun जो definite नहीं है, जो confirm नहीं है कि कितने हैं या कितने नहीं हैं, कितने लोग involve हैं इसमें, ठीक है, जिसका कोई definite चीज़ नहीं है, ठीक है. So indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount, यानी कि ये किसी भी specific person, चीज़ या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होता, यानी कि इसमें कोई भी
आ सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, किसी भी प्रोनाउन के बारे में बात हो सकती है, बहुत सारे लोगों के बारे में भी बात हो सकती है, कुछ कम लोगों के बारे में भी बात हो सकती है, किसी के बारे में भी बात हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल, अब ऑल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, ऑल का मतलब क्या होता है, सब। सो अब आप नहीं इसमें बता सकते कि दो लोग इन्वॉल्व हैं, तीन लोग इन्वॉल्व हैं। इसी तरह एनी, अब एनी में भी कोई से भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। इसी तरह एनी वन, एन अदर, ईच, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, एनी थिंग, एवरी थिंग, नन। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जिनका कन्फर्म नहीं होता कि कितने बीच में इन्वॉल्व हैं या हाउ मैनी और हाउ मच आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, जिसका नहीं पता हमें कन्फर्म। फॉर एग्जाम्पल, I have eaten everything in my fridge, यानी कि मैंने अपने फ्रिज में सब कुछ खा लिया। अब everything में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ का नहीं बताया, आपने बहुत सारी चीज़ों का बता दिया। अब everything इसमें क्या है, indefinite pronoun, ठीक है, क्योंकि everything में तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई ना, तो दिस everything is indefinite pronoun। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल, I have nothing to sell, कि मेरे पास कुछ भी सेल करने के लिए नहीं है। अब कुछ नहीं में, nothing में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी कि कुछ भी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इन दिस सेंटेंस नथिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसी तरह देर आर अलॉट एंड अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। आई होप के आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल द बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स। आप लोगों को प्रोनाउन का पता चल गया होगा कि वाई डू वी यूज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रोनाउन वी यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन, हम किसी भी नाउन या कोई नेम, किसी भी चीज़ का जब नेम होता है उसकी जगह पर हम यूज़ करने के लिए हम प्रोनाउन का वर्ड लगाते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट एवरी वन इज़ क्लियर अबाउट इट। So thanks for watching. I will come up with another video with the third part of speech. So subscribe to my channel and like and share also.